नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब में। हमारे साथ हैं मौलाना मसूद साहब, तो अभी उन्हीं से जान लेते हैं क्या कुछ सवाल। देखिए, हमारा मकसद यही है कि देश में शांति हो और जो हमारे दबे कुचले हुए लोग हैं और कई सौ साल से बेचारे मजलूम हैं, ख़ास तौर से दलित भाई और हमारे OBC और इसी तरीके से हमारे शेड्यूल ट्राइब के लोग, सिख भाई और हमारे ईसाई भाई, वो सब लोग, उन सब लोगों के साथ मिल के काम करना है और देश में एक मजबूत देश को करना है और एक नई आलम जगानी है इस देश में, ताकि हमारा भाईचारा मजबूत हो और जो गलत किस्म की हरकतें कर रहे हैं उनको डिफेंड किया जा सके। आप आज शामिल हुए हैं, तो ये आप राजनीतिक तौर पे कोई नई लड़ाई लड़ना चाहते हैं या सामाजिक तौर पे कुछ काम करेंगे? हर तरीके से ज़रूरत पड़ेगी देश को, जैसे ज़रूरत पड़ेगी हर तरीके से काम। अच्छा, आप किस तरीके से देख रहे हैं कि मुस्लिम और दलितों, जिनको मजलूम कहा जा रहा है, उनकी लड़ाई एक है, जब ये नुमाइंदगी की बात की जाए तो दलितों के पास अपनी मुकम्मल नुमाइंदगी है? ये तो आप समझदार हैं, जानते हैं। देखिए, आज देश की तमाम संस्थाएं कमज़ोर हो चुकी हैं, डेमोक्रेसी हमारी खतरे में है और इसलिए उन सब चीज़ों को मजबूत करने की ज़रूरत है। सर, जैसे मेशराम साहब के साथ मौजूद थे, जहां से हिंदुओं को गाली दी जा रही है, इसका नुकसान कहीं ना कहीं हिंदुओं को उठाना पड़ता है? कोई गाली नहीं दे रहा है। नहीं, हिंदू भाइयों को कहां गाली दी गई, ये तो गलत है। वो तो उन्होंने, बामन मेशराम साहब ने ये कहा कि भाई मैं हिंदू नहीं हूँ, और उन्होंने अपना जवाब भी दिया और बहुत सही अंदाज में दिया। सर, जिस तरीके से उदयपुर में हत्याकांड हुआ, क्या अब मुस्लिम जाग गया है क्या? नहीं, कहे ना जागना तो गलत है, कहीं में जाग गया। तो अब जो मेशराम साहब के साथ अब मिलके आ रहे हैं, तो कैसे अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि ना तो मीडिया साथ में, ना सरकार साथ में है? अब ये देखिए, हमारा कोशिश करने का काम है और कोशिश करते रहेंगे और इसमें हमारी कोशिश यही रहेगी कि अमन और इंसाफ कायम हो। चलिए, ठीक है सर। अभी हमारे साथ थे मौलाना मसूद मदनी साहब, जो जिनसे हमने थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है पूछे, लेकिन वो अभी थोड़ा सा जो है जल्दी में थे, क्योंकि उनको दूसरी जगह प्रोग्राम में भी जाना था, इसलिए हमने उनसे जो सवाल हो सकते थे हमने वो सवाल जाने उनसे। और मौलाना मसूद साहब जो है, उन्होंने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी ऐलान किया है कि अब वो जो है मेशराम, बामन मेशराम साहब के साथ मिलकर जो है एक साथ काम करेंगे। ये बहुत अच्छी और एकता और अखंडता की एक जो मिसाल कायम की है, वो उन्होंने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया। इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ, मैं पूजा, प्रेस क्लब दिल्ली।